तो गुड मॉर्निंग, आज हम करेंगे 8th क्लास मैथ्स में चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स के एमसीक्यूज। पहले मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ इसका, कि जैसे किसी भी नंबर का हमें क्यूब करना हो, मान लो आपको 4 का क्यूब करना है बच्चों, तो इसको लिखते कैसे हैं, 4 रेज टू पावर 3। इसको मतलब इसका होता है बच्चों, 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 को खुद से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 4 4 जा कितना होता है 16, इंटू 4 करेंगे, 16 4 जा बच्चों होता है 64। इसी तरह से हम मान लो 5 का क्यूब करते हैं, तो 5 का क्यूब का मतलब क्या होएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा बच्चों कितना होता है 25, और 25 को फिर से 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 125। तो ये आपको पता है क्यूब का मतलब होता है। फिर हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 आप लिख लो इसमें, क्योंकि ये चीज़ें आपको यूज होएगी क्वेश्चंस के बीच में। यूनिट डिजिट हम क्या निकालेंगे, यूनिट डिजिट निकालेंगे, यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ए नंबर, क्यूब ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर है उसका जब हम क्यूब करेंगे बच्चों, तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। जैसे आप ये मानो 1 का क्यूब करते हो तो 1 ही होता है, 2 का क्यूब करोगे तो बच्चों कितना होता है 8 होता है, 3 का क्यूब आप करते हो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 4 का क्यूब कितना होता है बच्चों 64, 5 का क्यूब आपका कितना होएगा 125 होएगा, 6 का क्यूब आपका होता है 216, फिर 7 का क्यूब बच्चों होता है 343, 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 का क्यूब कितना होता है 512, 9 का क्यूब आपका कितना होता है 729, और 10 का क्यूब होता है बच्चों कितना, 10 का क्यूब आपका होएगा 1000, 11 का क्यूब 11 इंटू 11 इंटू 11, और 12 का क्यूब होता है बच्चों 1728। मैं कहता हूँ 12 तक के क्यूब जिस बच्चे को याद है ना, उसके लिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो किसी भी नंबर का मान लो आपको क्यूब का यूनिट डिजिट निकालना है, तो मैं कहता हूँ उस पूरे नंबर को मल्टीप्लाई मत करो। जैसे आपको मान लो निकालना है 12 एक नंबर है, इसका क्यूब और इसका यूनिट डिजिट बताओ, आप है ना 2 को सिर्फ लास्ट डिजिट को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 जा कितना होता है 4, 4 2 जा कितना होता है बच्चों 8, यानी कि इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका 8 आएगा, ठीक है। इस तरह से देखो 2 का क्यूब कितना होता है 8 ही होता है। ऐसे आप किसी भी नंबर का क्यूब करके उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा ये बहुत आराम से पता कर सकते हो, ठीक है। कोई ना रूल याद करने की जरूरत, जो भी पेपर में आए ना आप करके देख लेना, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो आपका कॉन्सेप्ट नंबर 2 बच्चों, कॉन्सेप्ट नंबर 2 में है कि अगर किसी मान लो इवन नंबर का क्यूब आप करते हो, कोई नंबर इवन है और उसका आप क्यूब करोगे बच्चों, तो आंसर क्या आएगा आपका, इवन ही आएगा। और अगर आप ओड नंबर का क्यूब करते हो तो आंसर आपका ओड ही आएगा, जैसे कि हमने स्क्वेयर के अंदर सीखा था, है ना, स्क्वेयर करने पे भी ऐसा ही होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में लिख लो, कॉन्सेप्ट नंबर 3 है बच्चों, अगर आप किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब करते हो, अगर बच्चों आप किसी नेगेटिव नंबर का क्यूब करते हो तो आंसर जो आपका आएगा ना बच्चों वो नेगेटिव ही आएगा। अगर आप किसी पॉजिटिव नंबर का क्यूब करोगे तो जो आपका आंसर आएगा बच्चों वो पॉजिटिव ही आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपको -2 का क्यूब करना है, -2 का क्यूब, क्यूब का मतलब होता है बच्चों -2 इंटू -2 इंटू -2। देखो माइनस जब 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो क्या रहेगा, माइनस ही रहेगा ना, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, अकेला माइनस बचेगा, ठीक है। 2 2 जा 4 4 2 जा 8, आंसर क्या है आपका, देखो नेगेटिव आया ना। और ऐसे ही अगर आप 4 का क्यूब करोगे, 4 इंटू 4 इंटू 4, तो क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव आएगा। तो ये बात ध्यान रखना, नेगेटिव नंबर का क्यूब नेगेटिव, पॉजिटिव नंबर का क्यूब क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 लिख लो आप, परफेक्ट क्यूब नंबर्स क्या होते हैं बच्चों, परफेक्ट क्यूब नंबर्स, यानी कि परफेक्ट क्यूब नंबर्स क्या होते हैं, जिनका पूरा पूरा क्यूब रूट हम निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 1 का क्यूब कितना होता है बच्चों 1 होता है, फिर 2 का क्यूब कितना होता है 8, 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब, है ना। ये जो नंबर होते हैं ना इनको परफेक्ट क्यूब नंबर बोला जाता है, दीज आर कोल्ड परफेक्ट क्यूब नंबर्स, क्या बोलते हैं बच्चों इनको, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। तो आप समझ गए मेरी बात, परफेक्ट क्यूब नंबर्स कौन से होते हैं, ये आपके कुछ कॉन्सेप्ट थे। बाकी मैंने आपको पूरा चैप्टर जब करवाया था 7th उसमें बताई रखे हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन इसने गलत पूछा हुआ है, इसका मतलब बताता हूँ क्या है। द क्यूब ऑफ ए डिजिट इज द सेम डिजिट, यानी कि एक नंबर है उसका जो यूनिट डिजिट है ना, सॉरी इसके अंदर बच्चों ये पूछा हुआ है आपसे कि द क्यूब ऑफ ए डिजिट, डिजिट की बजाय इसको बच्चों नंबर देना चाहिए, कि एक नंबर है उसका जब हम क्यूब करेंगे ना तो वही आएगा, तो बताओ डिजिट क्या है। यानी कि देखो 3 का क्यूब आप करोगे तो बच्चों आपको पता है 27 आता है, ऐसे 5 का क्यूब करोगे तो आप 125 आता है,
नाइन का क्यूब करते हो तो 729 आता है, लेकिन वन का क्यूब बच्चों करते हो ना तो वन इंटू वन इंटू वन वो वन ही आएगा। तो ये पूछना चाहता है कि एक ऐसा नंबर बताओ जिसका हम क्यूब करें तो वही सेम नंबर आ जाए। तो ये नंबर कौन सा है बच्चे? वन है, ठीक है। ये कौन सा है? वन है। अच्छा, माइनस वन भी होता है। माइनस वन का अगर हम क्यूब करेंगे ना, माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, देखो साइन तो माइनस का आएगा और वन की कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो आंसर कितना आएगा? माइनस वन। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछ ले कि दो ऐसे नंबर बताओ जिनका अगर हम क्यूब करें तो वही नंबर आए, तो दो नंबर होते हैं, एक वन और एक माइनस वन। वन का क्यूब वन होता है और माइनस वन का क्यूब बच्चों माइनस वन होता है, लेकिन इसमें आपको नेगेटिव तो दे नहीं रखा, पॉजिटिव नंबर दे रखा है, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? ऑप्शन सी। अब देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, द क्यूब ऑफ विच नंबर इज 27, यानी ये पूछ रहा है किस नंबर का क्यूब, किस नंबर का क्यूब 27 होगा, यानी कि आप किस नंबर का क्यूब करो कि आंसर 27 आ जाए। आपको पता है 3 का क्यूब होता है ना, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है बच्चों? 27। तो किस नंबर का क्यूब 27 है बच्चों? 3 का। तो आंसर कितना आ गया आपका? 3 आ जाएगा। अब ये देखो आपको वैल्यू निकालनी है 11 क्यूब की। मैंने कहा था ना 12 तक क्यूब तो आप याद कर लो, 11 इंटू 11 इंटू 11। अगर नहीं भी याद तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसको एक बार और 11 से करोगे, आंसर कितना आएगा बच्चों? 1331 आ गया आंसर। 20 का क्यूब निकालना आपको, द वैल्यू ऑफ 20 क्यूब, मतलब कि 20 इंटू 20 इंटू 20। देखो जीरो कितनी है? 1 2 3, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, आंसर कितना आ गया आपका? 8000। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। इसमें ये कहता है फिफ्थ क्वेश्चन में, द यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ 31, यानी कि 31 का जब हम क्यूब करेंगे बच्चों, 31 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा? मैंने कहा था ना सिर्फ यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, और 1 को तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो बच्चों कितना आएगा? 1 ही आएगा ना आंसर। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। द यूनिट डिजिट इन द क्यूब ऑफ 7744, इसका जब हम क्यूब करेंगे कहता है उसका यूनिट डिजिट कितना होगा? मैंने क्या कहा था बच्चों? सिर्फ 4 को मल्टीप्लाई किया करो आप, है ना, लास्ट वाले डिजिट को। 4 4 जा 16, 16 4 जा कितना होता है? 64। लास्ट में तो क्या है? 4 आया ना, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 4, क्योंकि आपसे हमेशा यूनिट डिजिट ही बच्चों पूछा जाएगा। इसमें ये कहता है क्वेश्चन में सेवन्थ में, इन द फॉलोइंग द क्यूब ऑफ विच नंबर इज पॉजिटिव, कहता है इनमें से किस नंबर का क्यूब पॉजिटिव होगा। मैंने बताया था ना ये नंबर खुद पॉजिटिव है तो इसका क्यूब भी कितना होगा बच्चों? पॉजिटिव। बाकी तीनों नंबर देखो क्या है? नेगेटिव। इनका क्यूब भी क्या होगा बच्चों? नेगेटिव। आपसे पॉजिटिव पूछा है, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। एट्थ क्वेश्चन में कहता है द वैल्यू ऑफ -25 क्यूब, आपको ये पता है कि नेगेटिव नंबर का क्यूब करेंगे तो आंसर क्या आएगा बच्चों? नेगेटिव, है ना। पहले दोनों ऑप्शन तो वैसे ही रिजेक्ट कर देना, क्यों? ये तो पॉजिटिव है। अब बात आती है कि पी और डी में से कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, तो देखो आंसर तो नेगेटिव ही आएगा, ये तो कन्फर्म है, आंसर तो नेगेटिव आएगा। बस 25 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आएगा। 25 का स्क्वेयर तो बच्चों आपको याद होना ही चाहिए, 625 की 25 से और मल्टीप्लाई कर लो, 625 की 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आंसर आएगा 5 2 6 1 5 6 2 5, तो कितना आएगा? 1 5 6 2 5, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा बस। नाइन्थ क्वेश्चन में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर, इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है? आप ये बताओ, 8 को क्या हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। 27 को हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, 64 को हम 4 का क्यूब लिख सकते हैं ना, लेकिन 36 बच्चों, 36 का जब आप फैक्टर बनाओगे ना, मान लो 2 18 जा 2 फिर 9, ये जो इसके फैक्टर बनते हैं ना ये ट्रिपलेट में आने चाहिए, लेकिन ये तो ट्रिपलेट नहीं है, इसका मतलब 36 नंबर जो है ना वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब नंबर कौन से होते हैं बच्चों? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, ये नंबर क्या होते हैं? दीज नंबर्स आर परफेक्ट क्यूब्स। आप इनमें देख लो क्या कहीं 36 आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा ना, तो 36 अपना परफेक्ट क्यूब नहीं है। टेंथ क्वेश्चन में कहता है द नंबर ऑफ परफेक्ट क्यूब नंबर्स अप टू 100, यानी कि इसका मतलब ये है बच्चों 1 से लेके 100 तक में कितने ऐसे नंबर है जो परफेक्ट क्यूब होते हैं? 1 से 100 तक में कितने नंबर्स परफेक्ट क्यूब्स होते हैं? परफेक्ट क्यूब्स होते हैं, तो आप मेरे को बस ये बताओ
वन का क्यूब कितना होता है? वन। टू का क्यूब बच्चों कितना होता है? एट। थ्री का क्यूब कितना होता है? 27। फोर का क्यूब कितना होता है? 64। फाइव का क्यूब कितना होता है? 125। लेकिन लेकिन ध्यान से सुनो, आपसे पूछा गया बच्चों 100 तक, अप टू 100, तो ये तो 100 से बड़ा हो गया ना, तो मतलब कि ये चार नंबर ऐसे होते हैं जो 100 तक आपके क्या होते हैं? परफेक्ट क्यूब। आंसर कितना आ गया बच्चों? 4 आ जाएगा। रटना नहीं है कुछ भी, मैथ को समझना है बच्चों। द स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर ऑफ थ्री डिजिट, यानी कि थ्री डिजिट का नंबर होना चाहिए और वो परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। बच्चे जल्दबाजी में इसका आंसर 100 टिक कर देते हैं। बच्चों 100 थ्री डिजिट का नंबर तो है, लेकिन ये परफेक्ट क्यूब नहीं होता, क्योंकि परफेक्ट क्यूब नंबर कौन से होते हैं? वन का क्यूब, टू का क्यूब, थ्री का, फोर का, फाइव का। तो देखो सबसे छोटा जो थ्री डिजिट का नंबर आया है और जो परफेक्ट क्यूब भी है वो कितना है? 125। तभी तो मैंने कहा था ना 12th तक के क्यूब याद कर लो आप, ठीक है ना, आपके बहुत सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। इसमें कहता है द स्मॉलेस्ट परफेक्ट क्यूब नंबर ऑफ फोर डिजिट। अब पहले थ्री डिजिट का था, फोर डिजिट का। आप ये बताओ 9 का क्यूब कितना होता है? बताओ 9 का क्यूब सब बच्चे जानते हैं 729। फिर 10 का क्यूब आप जानते हो कितना होता है? 1000। फिर 11 का क्यूब 1331। आप ये बताओ आपका पहली बार में जो फोर डिजिट का नंबर है, क्या ये फोर डिजिट का नंबर नहीं है बच्चों? है ना, फोर डिजिट नंबर है। आप कहोगे सर फोर डिजिट नंबर तो ये भी है, मैं कहता हूँ ये भी है बिल्कुल, लेकिन स्मॉलेस्ट पूछा आपसे। क्या पूछा है बच्चों? स्मॉलेस्ट, क्योंकि लार्जेस्ट तो कितना भी हो सकता है, सबसे छोटा इनमें कितना है बच्चों? 1000। आंसर कितना आ जाएगा? ऑप्शन डी आ जाएगा। 13th क्वेश्चन में देखो द परफेक्ट क्यूब नंबर बिटवीन 100 एंड 200। देखो वही आप क्यूब, परफेक्ट क्यूब नंबर लिख लिया करो, वन का क्यूब, टू का, फिर थ्री का, फिर फोर का, फिर फाइव का, फिर सिक्स का, और फिर सेवन का। सेवन का ये होता है। अब आप ये बता दो इनमें से कौन सा नंबर 100 और 200 के बीच में है, मतलब कि 100 से बड़ा और 200 से छोटा, क्या ये नंबर नहीं है? आपका आंसर कितना आएगा? 125 आ जाएगा। अब देखो छोटे क्वेश्चन आ गए आपके, बहुत आसान क्वेश्चन है। द क्यूब ऑफ ओड नंबर, ओड नंबर का क्यूब कैसा होता है बच्चों? ओड होता है। द क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन होता है, ठीक है। दो क्वेश्चन खत्म आपके। थर्ड क्वेश्चन में देखो बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड 81 बी डिवाइडेड, यानी कि 81 को किस नंबर से डिवाइड करें कि जो आंसर आएगा, यानी कि जो क्वेश्चन आएगा, वो बच्चों परफेक्ट क्यूब होगा। तो मैंने क्या कहा, 81 के फैक्टर बना लो, 3 पे जाएगा, 27, 3, 9, 3, 3। अब 81 के जो फैक्टर बन गए ना बच्चों, वो कितने बन गए आपके? देखो 81 के फैक्टर क्या है बच्चों? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। परफेक्ट क्यूब नंबर के लिए हम क्या देखते हैं? ट्रिपलेट बनाते हैं, मतलब तीन तीन का ग्रुप। ये तो बन गया तीन तीन का ग्रुप, है ना, ये अकेला रह गया। जो अकेला रह गया उससे क्या कर दो बच्चों? डिवाइड कर दो। तो आंसर हमारा कितना आएगा इस क्वेश्चन का? 3। आंसर कितना आ जाएगा? 3। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि 81 को जब हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 27 आता है, और 27 क्या है बच्चों? एक परफेक्ट क्यूब नंबर है। क्यों? क्योंकि 27 किसका क्यूब होता है? 3 का होता है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा? 3। फोर्थ क्वेश्चन देखो बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर 128 शुड बी डिवाइडेड, वही की क्वेश्चन क्या हो जाए? परफेक्ट क्यूब हो जाए। तो आप कर लो 128 के फैक्टर बनाओ, 2 पे काट दो इसको 64, फिर 2 पे डिवाइड करो 32, फिर 2 से करो 16, फिर 2 से करोगे 8, और फिर 2 से करोगे बच्चों 4, और फिर 2 से करोगे 2, यानी कि 128 को 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करने पे आता है बच्चों? 7 टाइम्स, है ना। आप देख लो आपके सामने ही है। अब मैंने बताया था परफेक्ट क्यूब के लिए ट्रिपलेट बनाते हैं, इनका ट्रिपलेट बन गया, ऐसे इनका बन गया, ये अकेला रह गया। ये क्या रह गया बच्चों? अकेला। जो नंबर अकेला रह जाए उससे क्या कर दो आप? डिवाइड करो। आंसर कितना आ जाएगा इस क्वेश्चन का? 2। आंसर कितना आएगा बच्चों इसका? 2। और पिछले क्वेश्चन का आंसर कितना था अपना? 3 था। तो ये था बच्चों आपका छोटा सा चैप्टर है क्यूब और क्यूब रूट का। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है ना पूछे जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।